हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई वो सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपके रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपके क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन इसमें आपके क्या होनी चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई है, तो आपकी वैकेंसी 22 पदों पर निकाली गई है। पोस्ट नेम यानी किन किन पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर आपकी तीन पोस्ट रहने वाली है। एक आपकी TGT, PGT, असिस्टेंट टीचर यानी टाइनी ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और असिस्टेंट टीचर, यानी आपकी वैकेंसी टीचर पोस्ट के लिए निकाली गई है। ऑनलाइन डेट फॉर लास्ट डेट यानी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो आपकी ऑनलाइन डेट फॉर लास्ट डेट एक ही है, यानी 4 अक्टूबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आपकी टाइमिंग दे रखी है 10 AM से लेकर 5 PM तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो अप्लीकेशन फीस जो आपकी है वो जनरल OBC, EWS, SC, ST यानी ऑलमोस्ट किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी सभी कैंडिडेट के फॉर्म एकदम फ्री में भरे जाएंगे। इंटरव्यू एड्रेस जो आपका है इसमें वो आपका CRM ऑफिस में आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पर इसका एड्रेस भी दे रखा है आपका इंटरव्यू कहाँ होगा। एज लिमिटेशन की बात करें तो आपके मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd एंड BTech होनी चाहिए। तो आप इसके माध्यम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें कैसे होगा, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सैलरी इसमें आपकी क्या रहने वाली है, तो पे स्केल इसमें आपकी मिनिमम 21,000 से लेकर मैक्सिमम 26,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, यानी हर मंथ का अमाउंट आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्लाई मोड जो आपका है ये ऑनलाइन होगा, यानी ये फॉर्म जो आपके हैं ये ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं। जॉब लोकेशन जो आपके है ये ऑल ऑफ इंडिया है, यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी या किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं तो फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।